कल से भाई इंटरनेट पे हल्ला मचा हुआ जब से समझ में आया लोगों को कि भाई अब अक्षय कुमार करने वाले हैं महाराज छत्रपति शिवाजी का कैरेक्टर। काफी लोग खुश थे तो काफी लोग नाराज थे कि यार ये फिल्म खराब ना कर दे, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज को भी भाई ने खराब कर दिया था। और अब जो चीजें सामने आई हैं वहां से पता चल रहा है कि दिस न्यूज इज फेक। हालांकि मैंने भी कवर की थी, अक्षय कुमार ने खुद बोला कि मैं कर रहा हूँ, राज ठाकरे ने ये सारी मदद करी है, लेकिन उसके बीच एक छोटी सी अपडेट थी जो शायद आप लोगों तक नहीं पहुंची, जो मैं अब आप तक पहुंचा दे रहा हूं। देखिए ये जो कहानी है ये अक्षय कुमार को शिवाजी बना रही है, बात बिल्कुल सही है। अब इसमें कैच क्या है, ये कहानी सात मराठों की है और ये इतिहास के पन्नों से उठाई गई है जिसका नाम है वेड़ात मराठे वीर दौड़ले सात, यानी कि सात मराठों की कहानी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अक्षय को जोड़कर यहाँ पर बनते हैं आठ वीर मराठा, यानी कि शिवाजी के अलावा और सात वीर मराठों की कहानी है ये। और ये कहानी कहाँ से जन्म लेती है, जो सेनापति थे हमारे शिवाजी के यानी कि प्रताप राव साहब, उनकी कहानी है, उनके छह और जवानों की कहानी है। शिवाजी ने भाई इनको बोला था कि आप जाओ और हमारे इलाकों को मुक्त कराओ, पनारा पे हमला हुआ है उसको मुक्त कराना है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जगह मुक्त कराने की बजाय उनकी कस्टडी में एक और जगह थी जो हमला कर रहे थे मुगल, उनकी बीजापुर पे उन्होंने हमला कर दिया, क्योंकि सारे सैनिक तो युद्ध में गए हुए थे। और फिर जब उनको पता चला कि भाई हमला बीजापुर पे हो गया है तो वो भाई बीजापुर के लिए भागे, लेकिन प्रताप राव के दिमाग में कुछ और था, उन्होंने आधे सैनिक भेजे बीजापुर हमला करने के लिए और आधे रुके कि अब वापस आएगा ना तो यहीं धर लेंगे। और वैसा ही हुआ, बहलोल खान जब आया बीजापुर बचाने के लिए तो भाई बीज धर में पकड़ गए उसको प्रताप राव ने, भाई बहुत मारा और भाई उसको वचन भरवाए कि साले अगली बार ना नजर उठा के देख मत लियो, हमारी तरफ भग जा। और इस चीज पर शिवाजी हुए नाराज कि तूने हाथ आए दुश्मन को छोड़ क्यों दिया, और उनको कहा पत्थर लिखकर कि वापस आए तो भाई मेरे पास उसका खून करके ही आना, उसको जिंदा छोड़कर मत आना। और इस चीज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा प्रताप राव पर और वो उससे लड़ने के लिए चल पड़े। जब वो बहलोल को मारने जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि उसने भाई एक और सेना इकट्ठी कर ली है और वो हमला करने आ रहा है। और उसे पता चला इस बार सेना में 15,000 सैनिक है और उनके पास थे मात्र 1200 सैनिक। उन्होंने सबको पीछे छोड़ा, बोला मैं अकेला ही जा रहा हूँ, मैं बहलोल खान को मारकर आ जाऊंगा, मुझे और किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है। और उनके साथ साथ जब वो जा रहे थे तो 6 सैनिक और आ गए और फिर ये कहानी बनती है वेड़ात मराठे वीर दौड़ले सात। भाई आप यकीन नहीं करोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कहानी सुनकर, सात मराठे सामने 15,000 सैनिक और जो कोलाहल वहां पर मचा है, 15,000 सैनिक भागे हैं वहां से कि साले पागल हो गए हैं मराठे क्या कर रहे हैं, साक्षात भगवान परशुराम उनमें आ गए थे, खून की होली खेल रहे थे, रुद्र रूप धारण कर लिया था और जिस तरीके से तलवार चल रही थी 15,000 सैनिक भागे हैं वहां से। हालांकि इन सब ने अपनी देह त्याग दी, शरीर का ऐसा कोई हिस्सा बचा नहीं जहां पर कोई घाव नहीं था, जहां से रक्त बह नहीं रहा था, और इन सब ने एक ऐसा युद्ध दिखाया सबको कि उसके बाद वो करीब करीब 3 साल तक पीछे मुड़कर नहीं आए कि भैया ये 7 थे, अगर गलती से 700 होते तो 15,000 को खा जाते। और यही कहानी पिरो रहे हैं महेश मांजरेकर, जिसमें आने वाले हैं आपके अक्षय कुमार शिवाजी के कैरेक्टर में। तो बस यही कहानी, कोई अलग से शिवाजी की मूवी नहीं बन रही, ये कहानी है वेड़ात मराठे वीर दौड़ले सात। लाइक एंड शेयर जरूर करिए, अगर आपको भी हमारे मराठों पर, आपको भी ऐसे सच्चे देशभक्तों पर नाज है जिन्होंने पता था कि यहाँ मौत पक्की है लेकिन मौत से पहले इतनी मौत दिखा दी उन सबको कि भाई वो देश छोड़ने पर उतारू हो गए।